नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सेलिब्रिटीज की क्रेजी फैन फॉलोइंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हें मीडिया की भी काफी अटेंशन मिलती है, लेकिन कई बार सेलिब्रिटी होना मुसीबत का कारण बन जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गुरु रंधावा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला बोल दिया। इस हमले में रंधावा बुरी तरह से घायल हो गए। हैरानी वाली बात यह है कि गुरु रंधावा पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो एक शो को खत्म कर घर लौट रहे थे। गुरु रंधावा के दोस्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए हमले की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुरु रंधावा पर यह हमला कनाडा के वैंकूवर में हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरु रंधावा वैंकूवर में एक शो खत्म करने के बाद लौट रहे थे। रंधावा अपनी कार में बैठने जा रहे थे कि किसी ने उनके सिर पर किसी चीज से अचानक से हमला कर दिया। सिर पर चोट लगने से गुरु रंधावा घायल हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। हाल ही में एक करीबी दोस्त ने गुरु रंधावा की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उनके घायल होने की बात बताई है। गुरु रंधावा के ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर प्रीत हरपाल हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर गुरु रंधावा की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, मैं गुरु को बहुत पहले से जानता हूं और वो एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान है। वो हमेशा दूसरों की कद्र करता है। बताया जा रहा है कि प्रीत हरपाल भी उस समय वहीं पर मौजूद थे जिस वक्त गुरु रंधावा पर हमला हुआ। प्रीत रंधावा के काफी करीबी हैं और ज्यादातर समय दोनों साथ में बिताते हैं। गुरु रंधावा एक जाने माने पंजाबी गायक हैं। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उन्होंने लाहौर, पटोला, दारू वर्गी और हाई रेटेड गबरू जैसे कई गाने गाए हैं जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है। जाहिर है रंधावा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। इजाजत दीजिए ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट बाइट टीवी को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि गुरु रंधावा के फैंस को पता लगे कि अब वो खतरे से बाहर हैं।